हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, एंजाइम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा कंटेंट। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, तो हम जानेंगे एंजाइम्स क्या हैं, उसकी परिभाषा और उसके हिस्ट्री और उसके साथ में विशेषताएं, एंजाइम के वर्गीकरण और उनकी क्रियाविधि और साथ में एंजाइम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में इस वीडियो पर हम पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल है कि एंजाइम्स होता क्या है। तो दोस्तों, एंजाइम्स जीवों में पाया जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है जो कि जीवों में उत्प्रेरक का काम करता है। यह रासायनिक पदार्थ तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड या वसा से। दोस्तों, यह एंजाइम्स जीवों में रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देता है, इसलिए इसको उत्प्रेरक भी कहा जाता है। एंजाइम्स की क्रियाशीलता जो है उसकी मात्रा पर निर्भर होती है, कम मात्रा पर भी वह अधिक प्रभावी होती है। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक एक रासायनिक पदार्थ है जो कि रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देता है या रासायनिक अभिक्रिया को बदल देता है, लेकिन पूरा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान स्वयं अपरिवर्तित होता है। एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं एंजाइम शब्द या एंजाइम टर्म्स का मतलब क्या है। एंजाइम्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इन और जाइम्स। इन का अर्थ होता है अंदर या इन, जाइम का अर्थ होता है ईस्ट। एंजाइम शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है इन ईस्ट, ईस्ट में। जैव रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एंजाइम का अध्ययन करते हैं उसको हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, आप इसको नोट करके रखिएगा। आगे के स्लाइड पर चलते हैं। अब हम जानते हैं एंजाइम के इतिहास के बारे में। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुहने नामक जर्मन वैज्ञानिक ने 1878 में किया था। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग ईस्ट विलयन के किण्वन या फर्मेंटेशन के लिए किया गया था। बुकनर ने 1897 में सर्वप्रथम जाइमेज नामक एंजाइम्स का खोज किया गया था। यह प्रथम एंजाइम है। आगे की स्लाइड पर देखते हैं एंजाइम की विशेषताएँ। एंजाइम्स की निम्न विशेषताएं हैं। सभी एंजाइम्स जो है प्रोटीन होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी प्रोटीन जो है एंजाइम्स हो। केवल एक विशिष्ट एंजाइम ही एक विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है। अगली विशेषताएं हैं, एंजाइम्स के द्वारा होने वाले अभिक्रियाएँ उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का तात्पर्य रिवर्सिबल होता है। दूध जिस प्रकार पानी से बर्फ बन सकता है और बर्फ से वापस पानी बन सकता है, इस क्रिया को हम लोग रिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार ये क्रिया होती है एंजाइम्स में। एंजाइम्स की सूक्ष्म मात्रा उपस्थित होकर रासायनिक अभिक्रिया की दर को तीव्र बढ़ा सकती है। अगली विशेषताएं हैं, एंजाइम्स जल के संपर्क पर आने पर उसकी क्रियाशीलता और बढ़ जाती है। एक विशेष पीएच की सीमा पर एंजाइम जो है कार्य करता है, 5 से 7.5 के मध्य यह दक्षता पूर्वक कार्य करते हैं। आगे की स्लाइड देखते हैं। एंजाइम्स का वर्गीकरण। एंजाइम्स को उसके क्रियाशीलता के आधार पर, उसके कार्य के आधार पर अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम्स के बारे में। दोस्तों, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि किसी भी टर्म्स के लास्ट में अगर एज जुड़ा हो, एज अगर लगा हो, तो वह एंजाइम्स होता है। ठीक है, जिस प्रकार ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज वह एंजाइम्स हैं जो कि सब्सट्रेट के अणु से हाइड्रोजन को हटाकर उसको ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करता है। इसका उदाहरण है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स।
यह एंजाइम्स हाइड्रोजन पारा ऑक्साइड को ऑक्सीडेस कर ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग करता है, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़कर इसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। इसका एग्जांपल है रेडुकेटेज एंजाइम्स, आप जो इसको नोट कर सकते हैं रेडुकेटेज एंजाइम्स। तीसरा है हमारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स, यह एंजाइम्स एक अणु से हाइड्रोजन को दूसरे अणु में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम से होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर है आइसोमेरेज एंजाइम्स। ये एंजाइम्स सब्सट्रेट के अणु को उसके अणुओं के मध्य पुनर्विन्यास को उत्प्रेरित करते हैं और सब्सट्रेट के अणुओं को आइसोमर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अर्थात मैं आपको समझाता हूँ, ये ए से बी बनाता है और फिर वापस बी से ए बना देता है, ये इसका काम है। यानी ये वास्तविक फॉर्म में इसको बदल सकता है, तो ये इसका काम होता है आइसोमेरेज का। आगे हम देखते हैं लाइजेज एंजाइम्स, यह एंजाइम्स कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है। कोई भी हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है या कोई भी हमारा मॉलिक्यूल की जो श्रृंखला है, अणुओं की श्रृंखला है, उसके बीच में जो ससंयोजन बंध पाया जाता है उसको यह तोड़ने का काम करता है। उसमें बिना डिहाइड्रेशन किए, बिना जल अपघटन किए उस बॉन्ड को यह तोड़ देता है। इसका एग्जांपल है हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज एवं एल्डोलेज। आगे हम देखते हैं लाइगेज एंजाइम्स, ये एंजाइम्स क्या करता है कि जो हमारा अलग अलग चेन्स होता है उस चेन को जोड़ने का काम करता है। इसलिए इसको हम फेविकोल भी कहते हैं। बायोलॉजी की भाषा में इस एंजाइम्स को फेविकोल कहा जाता है और इसको हम लोग कैंची भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा काटने का काम करता है और ये हमारा जोड़ने का काम करता है। डीएनए में जब किसी भी हमारे श्रृंखला को तोड़ना हो तो उसके लिए लाइजेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब वही डीएनए को जब जोड़ने की बारी आती है तब वहाँ पे हमारा लाइगेज एंजाइम्स काम करता है। लाइगेज एंजाइम्स का एग्जाम्पल है पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज सिट्रेट सिंथेटेज। यह कार्बन कार्बन बंध का निर्माण भी कर सकता है। अब हम आगे देखते हैं एंजाइम्स की क्रिया विधि या एंजाइम्स का मेकनिज़म्स, एंजाइम्स की क्या क्या काम होते हैं। तो एंजाइम्स की क्रिया विधि जो है निम्न है, पहला है एंजाइम्स के क्रियाधार जटिल का निर्माण, दूसरा है सकरीनर ऊर्जा में कमी। सबसे पहले हम देखते हैं एंजाइम्स का क्रियाधार, एंजाइम्स का मेन काम क्या होता है। तो एंजाइम्स सब्सट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। एंजाइम्स की इस क्रिया को हम लोग एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। सभी एंजाइम्स का अपना एक पार्टिकुलर सब्सट्रेट होता है जहां से वो जाकर फिक्स होते हैं। इस प्रकार इस क्रिया में सब्सट्रेट एंजाइम्स के एक विशिष्ट स्थान पर आकर जुड़ते हैं। उस स्थान पर आकर जुड़ने के पश्चात एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। जब लास्ट में यही प्रोडक्ट में चेंज होता है तब यह अलग अलग जो है निकलकर बाहर चला जाता है और इस प्रकार फाइनली हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं एंजाइम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। सबसे पहला सिद्धांत देखते हैं लॉक एंड के थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत। इस सिद्धांत को एमिल एवं फीसर नामक वैज्ञानिक ने 1898 में दिया था। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से एंजाइम सब्सट्रेट आपस में जुड़ते हैं और बाद में जुड़कर ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और बाद में प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। इस क्रियाविधि में यह ताले चाबी के समान काम करता है। जिस प्रकार से एक विशेष चाबी ही ताले को खोल सकता है, ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट सब्सट्रेट जो है विशिष्ट एंजाइम से ही बाइंड करता है और बाइंड करने के पश्चात एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। बाद में यही अलग होकर अपना प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। आगे हम देखते हैं इंड्यूस फिट थ्योरी, यह भी यही सिद्धांत पर लागू है लेकिन यह थोड़ा सा अलग है। इस सिद्धांत को ओस्लैंड नामक वैज्ञानिक ने 1966 में दिया था। इस सिद्धांत का विशेष बात यह है कि इस सिद्धांत में बताया गया है कि सब्सट्रेट और एंजाइम्स आपस में आकर मिलते हैं,
सब्सट्रेट की जो सतह होती है, एंजाइम्स की जो सतह होती है वो फ्लेक्सिबल होता है, परिवर्तनशील होता है, मतलब जैसा सब्सट्रेट होगा वैसे ही अपने आप को ये बदल लेगा, इसीलिए इसका नाम है इंड्यूस फिट मॉडल। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी संरचना जो है सब्सट्रेट के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इससे मिलने के बाद एंजाइम्स ने अपना संरचना इस प्रकार से बना लिया है, इसलिए इसको इंड्यूस फिट थ्योरी भी कहा जाता है। अर्थात एंजाइम्स की सतह क्या होती हैं, लचीला और परिवर्तनशील होती हैं, जो सब्सट्रेट के मिलने के साथ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है, बाद में यही टूटकर प्रोडक्ट का या उत्पाद बना लेती है और बाद में यही एंजाइम्स को मुक्त कर देती है। आगे हम देखते हैं ये एंजाइम से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, एपो एंजाइम्स, होलो एंजाइम्स और कोफैक्टर, या इसी को हम को एंजाइम्स बोलते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये है क्या चीज़, समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि एंजाइम्स के कुछ भाग होते हैं, उस भागों का यह नाम है। सबसे पहले हम जानते हैं एपो एंजाइम्स के बारे में। एपो एंजाइम्स यह प्रोटीन युक्त भाग होते हैं, वह भाग जिस पर प्रोटीन पाया जाता है, एंजाइम्स का वह भाग जिस पर प्रोटीन पाया जाता हो उसको हम लोग एपो एंजाइम्स बोलते हैं। यहाँ पर प्रोटीन जो है निष्क्रिय अवस्था पे रहता है, निष्क्रिय अवस्था पे रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम्स। एंजाइम्स का वह भाग जहाँ पर प्रोटीन नहीं पाया जाता उसको हम लोग को एंजाइम्स या को फैक्टर कहते हैं। ठीक, जब यही एपो एंजाइम्स या को फैक्टर जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जो अक्रिय पड़े हमारे प्रोटीन होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तब इसको हम लोग होलो एंजाइम्स कहते हैं। इस प्रकार एपो एंजाइम्स और कोफैक्टर जब एक साथ मिल जाते हैं तब इसको हम लोग होलो एंजाइम्स कहते हैं। तो ये था एंजाइम्स के बारे में, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक एंजाइम से संबंधित प्रश्न है जो आपको कमेंट करके बताना है। लॉक एंड के सिद्धांत किसने दिया है, यह आपको जो है मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।